जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तब एंजल इन्वेस्टर्स और वीसी दैट इज वेंचर कैपिटल ये वर्ड्स हम जरूर सुनते हैं। तो आज हम एंजल इन्वेस्टर्स और वीसीज के बारे में बात करेंगे और ये नॉलेज आपको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते वक्त और अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज करते वक्त जरूर काम आएगा। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स होते हैं यानी वो लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है जिसे वो डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वही वीसी यानी वेंचर कैपिटल लोगों का पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। वीसीज हाई नेटवर्थ वाले लोगों से अपने फंड के लिए पैसा उठाते हैं और वो पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उस वीसी के लिमिटेड पार्टनर्स कहा जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स और वीसीज में मेन डिफरेंस ये है कि एंजल इन्वेस्टर्स खुद का पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वही वीसी लोगों का पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली एंजल इन्वेस्टर्स $1 million तक यानी 6 से 7 करोड़ तक की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी स्टार्टअप को $1 million से ज़्यादा की फंडिंग उठानी है तो उनके पास वीसी का ऑप्शन होता है। वीसीज जनरली $1 million से ज़्यादा की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स यानी जो स्टार्टअप्स बहुत ही शुरुआती स्टेज में होते हैं उनके लिए एंजल इन्वेस्टर्स फंडिंग उठाने का अच्छा ऑप्शन होता है। और जब स्टार्टअप का रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ने लगता है और उनके आइडिया अच्छे से एग्जीक्यूट होने लगती है तो ऐसे स्टार्टअप्स को ज़्यादा फंडिंग उठाने के लिए वीसी का ऑप्शन अच्छा होता है। जनरली वीसीज जो स्टार्टअप्स बहुत ही शुरुआती स्टेज में होते हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका अच्छा खासा रिवेन्यू आ रहा है और जिन्होंने अपनी आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करके प्रूव करके दिखाया है। एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस और ड्यू डिलीजेंस खुद करते हैं। वही वीसीज के पास फंड मैनेजर्स की टीम होती है जो स्टार्टअप्स का एनालिसिस करते हैं। आजकल बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स मिलकर ग्रुप तैयार करते हैं और फिर वो सब मिलकर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। मुंबई एंजल्स, चेन्नई एंजल्स, दिल्ली एंजल्स, ये ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं। एंजल इन्वेस्टर को खुद सारी डिसीजंस लेनी होती है, इसलिए एंजल इन्वेस्टर के पास अच्छा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट नॉलेज होना चाहिए। बस पैसा होने से काम नहीं चलता है, एंजल इन्वेस्टर के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। स्टार्टअप्स का फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा होता है। IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स के स्टडी के अनुसार 90% इंडियन स्टार्टअप्स पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं, इसलिए एंजल इन्वेस्टिंग और वीसी में बहुत रिस्क होती है। जनरली एंजल इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ही शुरुआती दौर में होते हैं और जिनका फेल होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो एंजल इन्वेस्टर्स वीसी से भी ज़्यादा रिस्क उठाते हैं और इस रिस्क के बदले में एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप से ज़्यादा स्टेक मांगते हैं। अगर किसी एंजल इन्वेस्टर या वीसी ने आपको फंडिंग के लिए हाँ कह दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अमाउंट तुरंत उस स्टार्टअप के बैंक अकाउंट में जमा होगी। फंडिंग की टर्म शीट और बाकी लीगल प्रोसेस पूरी करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, जनरली 2-4 महीनों का टाइम लग जाता है और कभी कभी उससे ज़्यादा भी लगता है। सो अगर आपको फंडिंग उठानी है तो जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है उससे 1 साल पहले ही आपको फंडिंग रेज करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। एंजल इन्वेस्टर्स और वीसीज का मेन फोकस होता है कि किसी भी ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना और जब वो स्टार्टअप बड़ा बन जाए या एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाए तब अपना स्टेक बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको एंजल इन्वेस्टिंग और वीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।